नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल RBSC विद HSM में। यदि आप राजस्थान विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में वर्तमान में अध्ययनरत है या ऐसे विद्यार्थी जो भविष्य में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो काफ़ी उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडमिट कार्ड, रिजल्ट एवं एग्जामिनेशन टाइम टेबल को किस प्रकार डाउनलोड किया जा सकता है ऑफिशियली वेबसाइट के माध्यम से। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, uniraj.ac.in। जैसे ही हम वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए यहाँ पर वेबसाइट लिंक्स दिए गए हैं, इनके माध्यम से भी हम जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जामिनेशन टाइम टेबल एवं एडमिट कार्ड के बारे में। स्टूडेंट कॉर्नर दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने सिलेबस, एग्जामिनेशन रिजल्ट का लिंक दिखाई देगा। एग्जामिनेशन दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। एग्जामिनेशन टाइम टेबल वर्तमान में बीएड एमएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएड पार्ट फर्स्ट, बीएड पार्ट सेकंड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड के जो टाइम टेबल है जारी किए गए हैं। किसी भी पाठ्यक्रम के टाइम टेबल को हम यहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन 2022 की जो टाइम टेबल है यहाँ पर जारी किए गए हैं। इसी तरह से प्रीवियस ईयर की जो टाइम टेबल है वो भी हम यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम एडमिट कार्ड के बारे में। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए हमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म 2022 के लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं, हमारे सामने uniraj.org का लिंक दिखाई देगा। दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हम एक नया जो वेबसाइट है ओपन होगा। थ्योरी एग्जाम एडमिट कार्ड का लिंक हमें मिलेगा। यहाँ पर हमें फील एग्जामिनेशन करेक्शन फॉर्म, फील सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म, रिवोल्यूशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड, कॉलेज पैनल, यूनिवर्सिटी पैनल, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, थ्योरी एग्जामिनेशन पहले, रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू एग्जामिनेशन, और इसी के साथ में एग्जाम से संबंधित जो नोटिफिकेशन हैं यहाँ हमें मिल जाएंगे। थ्योरी एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने सिक्योरिटी कोड डज नॉट मैच का ऑप्शन होगा। इस समस्या के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर हमें बैक स्पेस का उपयोग करना होगा और एंटर पर क्लिक करना होगा। जैसे हम एंटर पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस प्रकार का जो है इंटरफेस दिखाई देगा। पुनः थ्योरी एग्जाम एडमिट कार्ड दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। थ्योरी एग्जाम एडमिट कार्ड क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का जो है इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पर हमें यूजी पीजी एजुकेशन प्रोफेशनल सेमेस्टर डिप्लोमा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के लिंक दिखाई देंगे। यहाँ हम अंडर ग्रेजुएट पर क्लिक कर सकते हैं। हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में, तो यहाँ हम एजुकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें बीएड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें बीएड पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट, सेकंड पार्ट सेकंड, थर्ड, बीएससी बीएड, बीए बीएड के, एमएड के जो वर्तमान में जो एग्जामिनेशन के जो टाइम टेबल है जारी किए गए हैं, उनके एडमिट कार्ड यहाँ हम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट के लिए। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे आर्ट्स, बीएससी, बीकॉम, बी म्यूज़िक, बीबीए और बीडीएस के जो एडमिट कार्ड है हम यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं स्नातक स्तर के, तो हम यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ बात करेंगे पीजी के संदर्भ में, तो पीजी हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एमए प्रीवियस जो एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे उन्हीं के लिंक हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। इस तरह से हम यहाँ इनको सेलेक्ट कर लेंगे।
इसी तरह से प्रोफेशनल की हम बात करते हैं तो प्रोफेशनल वर्तमान में जो एडमिट कार्ड है जो दिखाई देंगे, जिनके एग्ज़ाम अभी वर्तमान में चालू हैं उनके लिंक हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ डिप्लोमा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम चेक करेंगे एजुकेशन, बीएड और ये बीएड पार्ट सेकंड का जो टाइम टेबल है आ चुका है। प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हमारे सामने तीन ऑप्शन हमें मिलेंगे एडमिट कार्ड प्रिंट करने के। सबसे पहले हम बाय फॉर्म के माध्यम से दिए गए जो बॉक्स है इस पर हम फॉर्म नंबर फिल करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन हमें मिलेगा बाय रोल नंबर के माध्यम से और बाय जर्नल डिटेल के माध्यम से। हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते हैं हमारे सामने रोल नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा। जर्नल डिटेल में आवेदक का नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे और माता का नाम लिखकर प्रोसीड पर क्लिक करके हम एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से हम एडमिट कार्ड को आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। अब बात करेंगे हम रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ पर रिजल्ट का ऑप्शन मिलेगा। रिजल्ट पर हम क्लिक करेंगे। रिजल्ट पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। result.uniraj.ac.in वर्तमान में 28/8/2022 को और 13/8/27 को जो रिजल्ट जारी किए गए हैं उनकी सूची हमें यहाँ मिल जाएगी। जैसे बीए ऑनर्स पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2022, बीए पार्ट सेकंड ऑनर्स, बीए पार्ट सेकंड डीप टम्प, बीए पार्ट सेकंड एग्ज़ाम 2022, बीए पार्ट थर्ड के जो रिजल्ट है वो जारी किए जा चुके हैं। रिजल्ट देखने के लिए जिस पाठ्यक्रम का हम रिजल्ट देखना चाहते हैं उस पाठ्यक्रम पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ हमें पाठ्यक्रम का नाम लिखा हुआ मिलेगा। रोल नंबर फिल करेंगे। यहाँ से हमें DOB सेलेक्ट करनी होगी। DOB सेलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे पहले ईयर रहेगा, इसके पश्चात मंथ रहेगा और इसके पश्चात डे रहेगा। DOB सेलेक्ट करें और इसके पश्चात फाइंड पर क्लिक करके हम अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका यहाँ पर जो लाइन दिखाई गई है अपडेट के रूप में, इसका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मेन एग्जामिनेशन आदि की जो टाइम टेबल है यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, एजुकेशन, एजुकेशन की बात करें तो यहाँ हम क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट है तो कॉमर्स के संदर्भ में यहाँ हम जानकारी ले सकते हैं और जो रिजल्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से रिवोल्यूशन जो रिजल्ट है अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट का ओल्ड रिजल्ट है यहाँ से हम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं सेलेक्ट करने के माध्यम से। तो आशा करूँगा कि ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अब तक बने रहे RBSE with HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।